कभी सोचा है ये डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे ही क्यों होते हैं? डार्क सर्कल के कलर से इनके रूट कॉज का कैसे पता लगा सकते हैं? डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए बेस्ट होम रेमेडीज कौन सी हैं? मेकअप आर्टिस्ट्स अपने क्लाइंट के डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं? और डार्क सर्कल्स को परमानेंटली प्रिवेंट करने के लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इन सभी बातों के आंसर्स मिलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं हर संडे सुबह 11 बजे इस चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। टुगेदर विल बी फिटर, हेल्दियर एंड हैप्पियर। सो डार्क सर्कल्स, ये कोई बीमारी तो नहीं है, पर आंखों के नीचे के ये काले घेरे एक रियलिटी बताते हैं। ये बताते हैं कि शायद आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, या फिर दिन भर में इनफ पानी नहीं ले पा रहे, या हो सकता है कि तेज धूप में आपको बाहर निकलना पड़ रहा हो, या शायद आपके अंदर आयरन या कोई विटामिन्स की कमी हो सकती है। डार्क सर्कल्स बढ़ती एज का साइन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा बाहर का खाना या फिर अल्कोहल लेने से भी होते हैं, और वैसे बार बार आंखों को रब करने से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आपको पता है कि ये डार्क सर्कल्स अलग अलग तरह के दिखते हैं और इनके कलर से आप इनके रूट कॉज को गेस कर सकते हो, जैसे कि पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स, जिससे आईज के आसपास का एरिया पिगमेंटेड हो जाता है और ब्राउनिश कलर का दिखता है। इसके रीजंस हो सकते हैं सन एक्सपोजर, इन्फ्लामेशन या फिर हार्मोनल चेंजेस। फिर होते हैं वेस्कुलर डार्क सर्कल, जिसमें आईज के नीचे की ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं, इसलिए ये ब्लूइश, पिंकिश या फिर पर्पल कलर के होते हैं। ये जेनेटिकली हो सकते हैं, किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। इनके साथ अगर आईज के नीचे पफिनेस भी हो, यानी कि आई बैग्स बन रहे हो, तो फिर वो नींद की कमी की वजह से या फिर एक्सेस स्क्रीन देखने की वजह से भी होते हैं। देन होते हैं स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स, जिसमें आईज के नीचे हॉलोनेस बनती है और अंडर आई डार्क हो जाती है। ये स्किन में मॉइस्चर की कमी की वजह से होते हैं या फिर कोलाजन ना बनने की वजह से। कई बार अचानक से एक्सेस वेट लॉस की वजह से भी ये हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्किन में इलास्टिसिटी नहीं है। देन वी ऑल्सो हैव मिक्स्ड डार्क सर्कल, जो कि इन सभी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं। एक स्टडी में पता चला कि मिक्स्ड डार्क सर्कल्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब आप अपनी आईज को देखिए और बताइए कि क्या आपके भी डार्क सर्कल्स हैं, और अगर हैं तो इनमें से कौन से हैं। वैसे कभी सोचा है कि डार्क सर्कल्स हमेशा आईज के आसपास ही क्यों होते हैं? चलिए एक बार आप अपने चीक को टच कीजिए। अब इसी फिंगर से आंखों के नीचे की स्किन को टच कीजिए। कुछ डिफरेंस नोटिस किया? इसी डिफरेंस की वजह से डार्क सर्कल्स आंखों के अराउंड होते हैं, क्योंकि जो स्किन सॉफ्ट और थिन होती है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वैसे तो मैं इस बात में कंप्लीटली बिलीव करती हूँ कि किसी की असली ब्यूटी बाहर दिखाई देने वाली सूरत में नहीं होती, वो उसके गुण, व्यवहार और व्यक्तित्व से होती है। बट डार्क सर्कल्स हमारे इनर सिचुएशंस की आउटर रिफ्लेक्शन है, जिनसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस कोट है, द आईज आर विंडोज टू द सोल। तो इन आईज के नीचे के डार्क सर्कल्स और पफिनेस को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम चार देसी नुस्खे यानी कि होम रेमेडीज जानने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। नहीं, आपको ये चारों चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इन रेमेडीज में से आपको जो सबसे कन्वीनियंट लगे उसे फॉलो कर सकते हैं। ये सभी रेमेडीज 100% नेचुरल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट होम रेमेडीज टू प्रिवेंट डार्क सर्कल्स। सो पहली रेमेडी है प्रधावर्ण्या लेपा। ये एक आयुर्वेदिक टर्म है जिसे हम इंग्लिश में स्किन ब्राइटनिंग पेस्ट कहते हैं। ये पेस्ट कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाई जाती है जिनकी कॉम्प्लेक्शन इन्हांसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इस लेप यानी कि पेस्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं टर्मरिक, जिससे उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। सैंडलवुड यानी कि चंदन, जिसे स्किन कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट मिलता है, और सैफ्रन यानी कि केसर, जो स्किन को रेडिएंट बनाती है। चलिए देखते हैं कि इस पेस्ट को आप अपने घर पे कितनी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी, इसमें आधा चम्मच सैंडलवुड पाउडर और एक चम्मच दूध में सोक किए हुए 1 से 2 सैफ्रन के स्ट्रैंड्स को मिला लेना है। कुछ बूंदें रोज वाटर की डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करना है। रोज वाटर की जगह आप दही भी ले सकते हैं। वैसे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। अब इस पेस्ट को
आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाले एरिया में लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस पेस्ट को लगाते ही आपको आईज के नीचे ठंडक फील होगी। ध्यान रहे हल्दी ज्यादा नहीं लेनी, नहीं तो आंखों के नीचे टेम्पररी येलोइश टिंट दिखने लगेगा। अब ठंडे पानी से फेस को साफ कर लेना है और आप देखेंगे कि इससे ना ही सिर्फ डार्क सर्कल्स गायब होंगे बल्कि आंखों के नीचे की पफिनेस भी खत्म हो जाएगी। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो कि बिल्कुल सेफ है, पर इससे अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको इसे कुछ दिन लगातार फॉलो करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि डार्क सर्कल्स के लिए दूसरी होम रेमेडी क्या है। सो सेकेंड रेमेडी इज कोल्ड कंप्रेशन। ये रेमेडी बहुत ही यूजफुल है अगर आपके डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे की पफिनेस का रीजन थकान है, अधूरी नींद है या फिर किसी ने आपको रुलाया है। कोल्ड कंप्रेशन आंखों के नीचे के ब्लड वेसल्स को डायलेट करके इंस्टेंटली डार्क सर्कल्स को डिमिनिश कर देता है और उस एरिया को ब्राइटन अप कर देता है। इससे आंखों के आसपास की पफिनेस और स्वेलिंग भी रिड्यूस होती है और स्किन एकदम रिफ्रेश हो जाती है। चलिए देखते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन कैसे करना है। इसे करने के लिए आप सिंपली आइस क्यूब्स को एक कॉटन के हैंकी या फिर एक मसलिन क्लॉथ में रख के आइस के ऊपर और नीचे अच्छे से रब कीजिए। इसके अलावा आप क्यूकुम्बर के चिल्ड स्लाइसेस को भी आइस के नीचे वाले एरिया पे 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। क्यूकुम्बर जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये डार्क सर्कल्स को क्लियर करता है, पफिनेस को कम करता है, आइस को ठंडक भी देता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। इन्हें स्किन पे लगाने से टैनिंग भी कम होती है और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस भी कम हो जाती हैं। कोल्ड कंप्रेशन के लिए टी बैग्स भी यूज किए जा सकते हैं। रात भर एक टी बैग को सोक करके फ्रिज में रखना है और सुबह उन्हें अपनी आईज के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है। टी की एंटीऑक्सीडेंट्स और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी डार्क सर्कल्स और पफिनेस को कम करती हैं। सो कोल्ड कंप्रेशन के बाद अब चलते हैं डार्क सर्कल्स के लिए थर्ड होम रेमेडी पे। ये एक ऐसा नेचुरल ब्लीच है जिससे आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल्स ऐसे गायब होंगे जैसे रिन की एड में शर्ट से दाग गायब होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, पर जिस नेचुरल स्किन लाइटनर की बात मैं कर रही हूँ उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो डार्क सर्कल्स को कम करते हैं और ये है आपकी किचन में पड़ा हुआ एक हम्बल पोटैटो। पोटैटो का विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, स्टार्च और एक्टिव एंजाइम्स अंडर आई डार्क सर्कल्स, पफिनेस, रिंकल्स को कम करते हैं। पोटैटो को नेचुरल पोर टाइटनर की तरह भी यूज किया जाता है। आपको बस पोटैटो के एक थिन स्लाइस को आइस के नीचे वाले एरिया पे 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ना है। और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप एक कच्चे पोटैटो को ग्रेट करके इसका जूस निकाल लो, फिर एक कॉटन बड की हेल्प से इसे फेस के ऊपर अप्लाई करो। ऐसा रेगुलरली करने से आपको आइस के नीचे ही नहीं बल्कि पूरे फेस पे मैजिकल रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब चलते हैं फोर्थ होम रेमेडी पे। आप में से कुछ लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करके पूछते हैं कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ। सो ये वो रेमेडी है जिसे मैं खुद भी ऑलमोस्ट डेली यूज करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऑयल मसाज की। जिस तरह सर पे तेल लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसी तरह फेस और आईज के नीचे भी ऑयल मसाज से फेस की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। इस प्रैक्टिस को आयुर्वेद में अभ्यंगा कहते हैं। अभ्यंगा से लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इंप्रूव होता है जिससे कि बॉडी के टॉक्सिस और इम्प्योरिटीज बाहर निकलती हैं। सो आंखों के नीचे की पफिनेस और डार्क सर्कल्स कम होते ही हैं, स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग भी बनती है। इसके लिए एक सही हर्बल ऑयल चूज करना जरूरी है। आप आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर आईज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक ऑयल भी ले सकते हैं। पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, कोई मेकअप या क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। फिर अपने फिंगर टिप्स पे ऑयल को ले, हो सके तो ऑयल को हल्का सा वार्म कर लें। फिर इसे जेंटली अपने फेस पे आईज के अराउंड अप्लाई करें। हल्के प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन में मसाज करें। मसाज करने के बाद ऑयल को अपनी स्किन में पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दें। मैं इसे सोने से पहले लगाती हूँ एंड ऑनेस्टली इसके बाद मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगेन ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, सो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट जब आपको एक बार रिजल्ट दिखने लगेंगे तो आप खुश हो जाओगे। सो ये है चार होम रेमेडीज। पर आज इस वीडियो में मैं आपको डार्क सर्कल्स के लिए हर पॉसिबल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। अभी हम परमानेंट सॉल्यूशन पे भी आएंगे, पर उससे पहले जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट्स डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए किस तरह से मेकअप करते हैं। और इन मेकअप टिप्स के लिए मैं इनवाइट करती हूँ एक एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट को और मैं चाहती हूँ कि वो खुद आकर ये मेकअप टेक्निक आपको दिखाएं।
हेलो, मैं कोमल रोहिला हूँ। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव सेक्टर 14 गीतांजलि स्टूडियो में वर्क कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ कुछ मेकअप के ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो अंडर आई से रिलेटेड है। फर्स्ट हम इनका वाइप से फेस क्लीन करेंगे, क्योंकि इनके फेस पे डस्ट भी हो सकती है, और अगर इन्होंने फेस वॉश किया है तो भी हम इनका वाइप से क्लीन करेंगे, क्योंकि कुछ डस्ट फिर भी रह जाती है। अब हम मॉइस्चराइजर ले रहे हैं। आप ये किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। लुक अप, इससे आपका स्किन ड्राई भी नहीं रहेगा और अंडर आईज पे लाइंस भी नहीं पड़ेंगी। अब हम प्राइमर लेंगे। किसी भी मेकअप से पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। इससे हमारे स्किन पे एक लेयर क्रिएट हो जाता है और आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है। अब आपके अंडर आई का जो भी कलर है उससे वन टोन डार्कर आपने कंसीलर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, इस कंसीलर का कलर इनके अंडर आई से वन टोन डार्कर है। अब हम एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे और इसे सिर्फ डैप करना है। इसे हम स्प्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इससे आईज और डार्क लगेंगी, इसलिए हम सिर्फ इसे डैप करेंगे। आप इसमें एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इजीली इसको ब्लेंड कर सकें। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर ना भी हो तो आप अपने रिंग फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम प्रेशर होता है। अब आप देख सकते हैं इनके डार्क सर्कल तो कवर हो चुके हैं, बट इनका स्किन इवन नहीं लग रहा, इसलिए अब हम इनके स्किन टोन का ही कंसीलर यूज़ करेंगे ताकि इनका स्किन इवन लगे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर ना यूज़ करके अपना रिंग फिंगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा हैवी दिखाना है आईज़ को तो आप वन टोन लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी आईज़ पॉपअप लगे। इसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई लाइन ना रह जाए। मैंने इनका फुल फेस मेकअप नहीं किया है, मैंने सिर्फ अंडर आईज कवर करने के लिए मेकअप किया है, तो आप देख सकते हैं कि अंडर आईज कितनी फ्लॉलेस लग रही है। अब एक फाइनल स्टेप है, इस मेकअप को लॉक करने के लिए हम लूज पाउडर का यूज करेंगे। मैंने अब लूज पाउडर लिया है और मैं ये एक्स्ट्रा जो है वो निकाल रही हूँ ताकि मेकअप केक ही ना लगे। लूज पाउडर भी हमें डैप करके ही यूज करना है, स्प्रेड नहीं करेंगे हम इसे। इसे कुछ सेकेंड रखने के बाद एक ब्रश की मदद से हम एक्स्ट्रा पाउडर हटा देंगे। इसी के साथ हमारा अंडर आई कवर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना नेचुरल लग रहा है। वाओ, ये किसी मैजिक से कम नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस फ्लॉलेस आई मेकअप ट्रिक। और अब जानते हैं कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस जिन्हें फॉलो करके आप अपने डार्क सर्कल्स को पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स हैं जिनसे ना सिर्फ डार्क सर्कल्स प्रिवेंट होंगे बल्कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो भी करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, 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 स्लीप। 7 to 8 hours की साउंड स्लीप लेने से डार्क सर्कल्स प्रिवेंट होते हैं। जिन्हें रात को नींद नहीं आती वो लोग सोने से पहले डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अभ्यंगा कर सकते हैं, या फिर आप आई एम वाउ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी भी ले सकते हैं, जिसे पीने से आपको एक बहुत ही रिलैक्स्ड और साउंड स्लीप आएगी। इस टी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। डार्क सर्कल्स प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। जब आप दिन भर में इनफ पानी पीते हो तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और नेचुरली ग्लो करती है। यही डिहाइड्रेशन से डार्क सर्कल्स और भी ज्यादा हाईलाइट होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट, 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 बैलेंस डाइट, स्पेशली ऐसे फूड्स जो कि विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई और आयरन में रिच हों। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो आप बिना सोचे मेरे प्रोग्राम आई एम वाओ का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें आपको कस्टमाइज डाइट प्लान तो मिलते ही हैं, इनके अलावा आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं, जिसमें आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स के लिए किस तरह की डाइट लें और भी बहुत कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके काम आएगी। आपका प्यार और फीडबैक दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और अगली बार आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।